सब्सक्राइब कीजिए पिकेट ट्रिक क्लब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारा लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों कुलपैड नोट 3 लाइट के लिए और एक नया रोम अभी लॉन्च हुआ है, बिल्कुल ये बग फ्री है, इसमें कोई भी बड़ा इशू नहीं है। इसमें वोल्टी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है, फिंगरप्रिंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। एक प्रॉब्लम है जो सब रोम में रहता आया है, वो है बैटरी ड्रेनिंग का जो प्रॉब्लम है 15% के बाद, वो प्रॉब्लम फिलहाल अभी भी है। चलिए देर ना करते हुए हम अपना रोम जो है इंस्टॉल करते हैं। पहले अपना मोबाइल को पावर ऑफ करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, थैंक यू। ये जो रोम है बहुत ही अच्छा है, मेरे को तो लग रहा है अच्छा होगा क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आ रहा है। पहले इसको मैं 2 दिन यूज़ करूँगा, 1-2 दिन यूज़ करने के बाद आपको इसका रिव्यू भी दे दूँगा ये वीडियो में। आगे ये वीडियो को पूरा देखते रहिए इसका रिव्यू लेने के लिए। अभी हमारा मोबाइल स्विच अप हो गया है, इस पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को दबा के हम रिकवरी मोड में चले जाएंगे। हाँ, और एक बात, आपके मोबाइल में पहले से ही TWRP रिकवरी मोड जो है रिकवरी, वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप नहीं किया है, आपको प्रोसीजर पता नहीं है, तो यूट्यूब में और भी बहुत सारे वीडियोज़ है, देख के कर सकते हैं। नहीं तो मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा। अब हमारा मोबाइल रिकवरी मोड में ऑन हो गया है, ये TWRP का अंदर चला गया रिकवरी मोड में। अब हमको करना है वाइप, एडवांस वाइप में ओके करेंगे। ऊपर का 4 जो ऑप्शन आएगा उसको चारों को सिलेक्ट कर देना है, और इंटरनल मेमोरी, मेमोरी माइक्रो एसडी कार्ड, ये दोनों को छोड़ देना है क्योंकि हमारा रोम उसमें रखा गया है। अब इसको स्लाइड कंफर्म करते हैं, ये थोड़ी देर लगेगा इसको वाइप होने में। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, थैंक यू। वाइप अप हो गया है, बैक जाते हैं और पूरा बैक करेंगे, मेन मेन्यू में आएंगे, मेन मेन्यू में आएंगे। अब हमको जाना है इंस्टॉल में। इंस्टॉल करने के बाद हम हमारा जो रोम है उसको डाउनलोड करके जहाँ जिस फोल्डर में रखा था उसमें उसको ओपन करना है। मेरा ए फोल्डर में है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये AOSP का जो रोम है उसको हमको करना है। इसमें ओके करते हैं, करने के बाद स्वाइप टू कंफर्म कर लेंगे। अब ये जिप फाइल जो है हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होने लगेगा। इसको इंस्टॉल होने में मिनिमम 5 से 10 मिनट लग जाएगा, इसके लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रोम इंस्टॉल हो गया है, पूरी तरीके से अच्छे से सब कुछ इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सब कुछ देखिए सब अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आया। अब हम करते हैं रिबूट सिस्टम। रिबूट सिस्टम में ओके करने के बाद ये भी 10 से 20 मिनट लग जाएगा आपको पूरी तरह से रिबूट होने में, और दो तीन बार ब्लिंक भी हो सकता है, ऑन ऑफ होएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा वरीड नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे गूगल का कुछ एनिमेशन आ रहा है, चलिए मैं इसको भी पॉज कर देता हूँ। देखिए फिर एक बार ब्लिंक किया, फिर से रिस्टार्ट होने लगा है। इसको मैं पॉज कर देता हूँ, ऑन होने के बाद आपको जो है दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा मोबाइल स्टार्ट हो गया है। अब जल्दी जल्दी से इसका जो है सेटअप सब कर लेते हैं। आप भी, मैं इसको जल्दी से जल्दी सेटअप करके
आप लोगों को इसका जो है इंटरफेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट लॉक के लिए सेंसर मांग रहा है, देखते हैं काम करता है कि नहीं। नेक्स्ट में ओके करते हैं। आप देखिए मैं पीछे फिंगर लगा रहा हूँ, ये देखिए फिंगरप्रिंट अच्छे से, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं फिलहाल एक फिंगर लगा के यहाँ पे ऐड अनदर करता हूँ, लेकिन फिलहाल डाउन कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट कर देते हैं। फिलहाल के लिए रिस्टोरिंग होगा। यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है, लॉन्चर भी सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए हमारा मोबाइल जो है स्टार्ट हो गया है। दोस्तों 2 दिन से मैं ये रोम यूज़ कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत ही प्यारा रोम लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इसमें। हाँ बहुत ही स्मूथ चल रहा है। इसका इंटरफेस भी बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है। ज़्यादा कुछ मतलब सेटिंग वेटिंग ज़्यादा नहीं है इसमें, सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल जैसा है। ये सब मुझे अच्छा लगा। और इसका फिंगरप्रिंट भी बहुत बढ़िया से वर्क कर रहा है, और वोल्टी भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। कॉल वॉल सब कुछ ओके चल रहा है। वो सब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। फिलहाल देखिए ये फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे मैं सेट किया हुआ है। इसमें मैं ऑलरेडी 4 फिंगरप्रिंट लगा चुका हूँ, और यहाँ पे ऐड करके और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सब में उंगली लगा चुका हूँ। इसके लिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ फिंगरप्रिंट कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे लॉक कर दिया, ये देखिए यहाँ पे मैं उंगली लगाऊंगा, ये ऑन हो गया। फिर से लॉक किया, ये देखिए तुरंत ही। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल भी कुछ बॉक्स नहीं लगा। वो तो बैटरी ड्रेनिंग का तो प्रॉब्लम तो सब मोबाइल में रहता है, उसमें कोई नहीं। ये देखिए मैं कॉल करके भी आपको, इसमें जियो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कॉल वॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क आने जाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा स्पीड भी बहुत अच्छा पकड़ रहा है। ये एंड्रॉयड मार्स में लोगों के ऊपर बेस्ड है। मार्स में लोगों एंड्रॉयड 6.0 में चल रहा है। बाकी सब बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन सब कुछ अच्छा मिल रहा है, 2-4 बग तो रहेगा, एक दो ज़्यादा से ज़्यादा गिनते हुए 2-3 ही बग है, छोटा मोटा बग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके वो बग। एक तो बग है बैटरी का, पहले से बता चुका हूँ, बैटरी का ड्रेनिंग प्रॉब्लम भी है अभी भी 15% के बाद। वो सॉर्ट आउट करने के लिए आपको 80% के अंदर चार्ज कीजिए। 80% से ज़्यादा करेगा तो वो प्रॉब्लम आता है, 80% से कम कीजिए तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा।
80% तक चार्ज करेंगे तो आपको पूरा 0% तक आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए फाइल मैनेजर है मैं, लेकिन ये फाइल एक्सप्लोरर दूसरा एक डाला था, मेरे को अच्छा लगता है, इसके लिए आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसका कैमरा दिखा देता हूँ आपको, कैमरा भी ज़्यादा कुछ पूरा नहीं है, अच्छा है। इसके में भी सिंपल सा कुछ ऑप्शन मिलता है, ये फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, कैमरा भी ठीक ठाक क्वालिटी है, जैसे भी आता है सेम आते हैं। उसमें और एक नया फीचर डाला है ब्लोअर का, जैसे सब नया मोबाइल में अब आता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा फंक्शन अच्छा नहीं करता है, फिर भी चलेगा, नया कुछ नया दिया है एक। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें सही है, दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग आएगा, यहाँ इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। ये देखिए स्टार्ट हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग। अच्छे से रिकॉर्डिंग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसका स्क्रीन शॉट का, ये देखिए, सॉरी स्क्रीन शॉट तो लेता है, लेकिन ये देखिए अभी स्क्रीन शॉट तो ले लिया लेकिन एरर अभी दिखाएगा, ये एरर आ रहा है, कुड नॉट कैप्चर स्क्रीन शॉट, कैन टेक स्क्रीन शॉट ड्यू टू इन लिमिटेड स्टोरेज स्पेस। ये दिखा रहा है स्पेस कम है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे दोनों मेमोरी कार्ड में है और इंटरनल मेमोरी में बहुत सारा स्पेस पड़ा है अभी भी। ये एक बग है स्क्रीन शॉट का, स्क्रीन शॉट ले नहीं सकते आप, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं होता है इसमें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको दूसरा थर्ड पार्टी आप यूज़ करना पड़ेगा, स्क्रीन शॉट के लिए भी आपको दूसरा थर्ड पार्टी आप यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अप डाउन, अप वॉल्यूम, पावर बटन एक साथ दबाएंगे तो ये पावर अप में आ जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ये कुछ छोटा मोटा बग है और ज़्यादा कुछ बड़ा बग मेरे को दिखा नहीं, अगर आपको कुछ बड़ा बग दिखता है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी पता चले।